हाय फ्रेंड्स, तो ये है कुशन कवर। तो आज हम कुशन कवर पेंटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका एक पोर्शन लिया है। यहाँ पर छोटे फ्रेम में लगा रही हूँ क्योंकि कुशन कवर छोटे होते हैं, वरना मैं बड़े फ्रेम में लगाती इसे। तो अभी मैंने इसके लीफ बना रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर लिया एज अ बेस यूज़ करा है, और ये मतलब बहुत अच्छे से कंप्लीट करके हमें लगाना है, बिल्कुल भी कहीं से छोड़ना नहीं है। और जब ये अच्छी तरह से लग जाए वाइट कलर, थोड़ा सा ड्राई होना है, उसके बाद हम दूसरा कलर अप्लाई करेंगे, बस हल्का सा ड्राई करके। और जब भी आप ये लेयर लगाएं वाइट कलर की, तो थोड़ी सी पतली सी लगाएं, वरना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। और अब दूसरा कलर लेके, ये है डार्क ग्रीन कलर। तो डार्क ग्रीन कलर को हाफ लीफ की हाफ साइड में करना है इस तरह से। फिर हल्के हल्के ब्रश, उसी ब्रश से, मैंने कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं लिया है, सिर्फ एक बार डिप किया था कलर में, उसी से ही मैंने पहले इसकी आउटिंग की, एंड देन मैंने इसको स्प्रेड किया कलर को नीचे की तरफ शेड करना है। अब मेरा हाफ कंप्लीट हो गया है। अब मैं ब्रश को साफ करके, मतलब ज़्यादा साफ नहीं करना, हल्का सा लेमन येलो कलर लिया है। और लेमन येलो में ज़रा सा ये, क्योंकि ब्रश बहुत अच्छे से मैंने क्लीन नहीं किया, तो थोड़ा सा ना ग्रीनिश उसमें शेड भी आएगा, तो वो भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने उसको क्लीन अच्छी तरह से नहीं किया, क्योंकि लेमन येलो के साथ डार्क ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने, मुझे लेमन येलो कलर ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि बहुत लाइट होता है, इस वजह से मुझे 3-4 बार से स्ट्रोक लेना पड़ा कलर का। और अभी अब जाकर इतना हुआ है। और अब ये है मैरून कलर। तो मैरून कलर से मैं फ्लावर बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसे लीफ में यूज़ किया है इस तरह से। हाफ मैं पोर्शन में इस तरह से यहाँ पे हल्का सा करना है एक बार लेकर कलर को, एंड देन वाइट कलर लेना है। सिमिलर यही वाला हमें ट्राई करना है, पहले आउटिंग एंड देन स्प्रेड करना है उसे। और मेरी लीफ तैयार है। अभी मैं सारी लीफ बनाती हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दो कलर दिखाऊंगी। एक लाइट कलर दो है, मतलब एक मैरून कलर है और दूसरा सा कुछ क्रीम कलर है, ये टिंट कलर जिसे कहते हैं। और टिंट कलर एंड मैरून कलर से मिलाकर मैंने यहाँ पर ये स्ट्रोक लगा रही हूँ। ये फ्लैट ब्रश से ही लगते हैं, और अगर आप फ्लैट ब्रश यूज़ नहीं करती तो फिर ये मतलब ये गोल आएंगे, इस तरह से नहीं आ पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लावर बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से कलर किया है, वही है, मुझे कलर को हल्का सा ड्राई करना है, मतलब प्रॉपर में ड्राई नहीं करना है। मैंने फ़ैन नहीं चलाया हुआ इसीलिए कि ये ड्राई जल्दी ना हो, क्योंकि मुझे फिर शेड भी करना है, ड्राई करना है। और अभी मैं इसको कंप्लीट अच्छे से वाइट लगाने के बाद अब दूसरा कलर करूँगी। हाँ, अब हुआ है कंप्लीट। तो अभी मैं ले रही हूँ डार्क पर्पल कलर और लेमन येलो, इसके दो कलर से बनाऊंगी। तो मैंने बॉटम में लगाया है लेमन येलो, क्योंकि लेमन येलो हमने लीफ में यूज़ किया है, तो वही वाला कलर हम फ्लावर में यूज़ करेंगे, बट बहुत लाइट लेना है। वैसे तो ये लाइट ही होता है, उस हमें फिर भी हमें लाइट ही लेना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना है इस कलर को। और उसके बाद हम इसके अपर एरिया में लगाएंगे डार्क पर्पल कलर, और पहले आउटिंग शेड वही होगा, जो मेथड है ये रहा पर्पल कलर, तो जो मेथड है वही रहेगा, पहले आउटलाइन करनी है उसके बाद अंदर की तरफ स्प्रेड करना है, और बस हो गया, इतना ही करना है हमें। और काफ़ी अच्छी तरीके से करना है, और हमें लगेगा बाद में कि आउटलाइन की ज़रूरत है तो हम बाद में आउटलाइन कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।